वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए इस वीडियो में मैं क्लास सेवेंथ को चैप्टर 9 है ना एक्सप्रेसिंग द फ्यूचर ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बच्चों जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं कि टेंसेस के दो तीन टाइप्स होते हैं ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीनों का। जो पास्ट का मैंने आपको समझा दिया, प्रेजेंट का मैंने आपको समझा दिया, अब हमारी बारी आई फ्यूचर की। तो बच्चों इसमें एक्सप्रेसिंग द फ्यूचर हमारा चैप्टर है। तो बच्चों आपकी बुक में सिर्फ क्या है कि सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बता रखा है ना, फिर विल और शैल का यूज बता रखा है कि हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो बच्चों अगर विल और शैल का यूज हम डिटेल में जानेंगे तो काफी लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ इन चारों का टेंसेस का जो सेंटेंस है उनको बता देती हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो बच्चों ये रूल है कि आई एंड बी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, एंड बाकी जितने भी नंबर्स, जितने भी और हमारे नाउन्स या प्रोनाउंस जो भी हो उनके साथ हम विल का यूज करते हैं। बट बच्चों अब तो ये हो गया है कि सबके साथ विल का यूज सुटेबल माना जाता है ना। आई वी के साथ हम शैल का यूज कर सकते हैं, बट ऐसा कोई वो भी नहीं है, जरूरी नहीं है। विल का यूज भी सबके साथ सुटेबल माना जाता है। अगर आपकी बुक में आ भी जाए आई एंड वी के साथ विल का यूज तो वो गलत नहीं है, वो भी सही है। शैल का यूज आया तो वो भी ठीक है। ठीक है, चलिए बच्चों इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस, जैसा कि कंटिन्यूअस नाम से पता चल रहा है, ये काम जो है भविष्य में खत्म नहीं हुआ है ना, चल रहा है। जैसे वह जा रहा होगा है ना, वह खा रहा होगा, जो भी है, तो वो काम जो है वो चल रहा है। तो बच्चों इसमें क्या है कि हम विल बी एंड शैल बी का यूज करते हैं। ठीक है, विल बी एंड शैल बी का यूज करते हैं। अब बच्चों इसमें वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा, ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा, आपके ऊपर सिर्फ ये दो ही दे रखे हैं, बट मैं आपको नीचे के दो और बता देती हूँ। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, विल हैव एंड शैल हैव का यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हम उसी का यूज करते हैं इसमें। चलिए बच्चों नेक्स्ट हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों इसमें हम शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन का यूज करते हैं। इसमें वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, ये भी बच्चों एक तरीके से कंटिन्यूअस है। देखो कंटिन्यूअस में मैंने बताया कि कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि काम जो है वो चल रहा है ना। तो इसमें भी ये डिफरेंस होता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है उसमें टाइम भी दे रखा होता है, बट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम देते हैं। ठीक है, जैसे वह 2 घंटे से बाजार जा रहा होगा है ना, तो 2 घंटे से टाइम आ गया। और अगर इस तरीके से हो, वह बाजार जा रहा होगा, तो इसमें कोई टाइम नहीं है, यानी कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। और इसके यूजेस दे रखे हैं, आप अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। चलिए थैंक यू।